धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज असाधारण चुनौतियों से जूझ रही है दुनिया, बुद्ध की शिक्षाओं से मिल सकता है इनसे निपटने का रास्ता। 12 दिन बाद आज फिर मंदिर में प्रवेश करेंगे भगवान जगन्नाथ, रथों को तोड़कर मंदिर की रसोई में जलाई जाएंगी उनकी लकड़ियां, 2000 से ज्यादा पेड़ों की लकड़ियों से बनता है रथ। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, कहा तस्वीरें नहीं बोलती झूठ, चीन ने भारत की तरफ किया है कब्जा। जनता पर महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ सब्जियों के दाम हुए दुगने, रसोई का बिगड़ा बजट। महाराष्ट्र में भाजपा ने की नई राज्य कार्यकारिणी की घोषणा, पंकजा मुंडे को जल्द मिलेगी राष्ट्रीय स्तर की भूमिका, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में शिवराज और सिंधिया में मशक्कत जारी, मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा एक दो दिन में होने की संभावना, राज्य में 2 जुलाई को हुआ था मंत्रिमंडल का विस्तार। उत्तर प्रदेश में कानपुर मुठभेड़ के बाद विकास दुबे पर एक्शन, जेसीबी से गिराया गया घर, 12 लोगों से की जा रही है पूछताछ। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कानपुर और आगरा मेट्रो ठेका किया रद्द, बम्बार्डियर ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया ठेका। देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला, अब तक कोरोना से 18,213 लोगों ने गंवाई जान, कोरोना को मात देने वालों की संख्या हुई 3,79,000 के पार। कोरोना की चपेट में आए मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश किए जारी, इलाज में घटाई गई कारगर दवा रेमडेसिविर की खुराक अब 6 दिन के बजाय 5 दिन तक दी जाएगी दवा। मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी, 62.84% छात्र हुए पास, 15 स्टूडेंट्स ने पूरे 300 अंक किए हासिल, बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए 4 वेबसाइट और 2 मोबाइल ऐप पर अपलोड किया रिजल्ट। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई में हाई टाइड में 5 मीटर तक ऊंची उठ सकती है लहरें, बीएमसी ने लोगों को तट पर न जाने के दिए निर्देश। नेपाल के प्रधानमंत्री को 2 दिन की राहत, अब सोमवार को होगा प्रधानमंत्री ओली की किस्मत का फैसला, आज होने वाली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक टली। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बिडेन की लोकप्रियता सभी वर्गों के बीच बढ़ी, सर्वे में ट्रंप की जीत के आसार 10%, द इकोनॉमिस्ट ने जारी की सर्वे रिपोर्ट। जून तिमाही में प्रमुख पोर्ट्स पर घटा 200% टैरिफ, ये पोर्ट्स कुल शिपमेंट का संभालते हैं 63% हिस्सा, देश में 12 सरकारी पोर्ट्स के जरिए होता है वस्तुओं का आयात और निर्यात। जियो ने लॉन्च किए 49 और 69 रुपए के 2 नए प्लान, प्लान्स में फ्री कॉलिंग और डाटा के साथ मिलेगी कई सुविधाएं, 14 दिनों की है दोनों ही प्लान्स की वैलिडिटी। लॉकडाउन में भी फिटनेस का पूरा ख्याल रख रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, कोहली ने जिम करते हुए वीडियो किया शेयर, लिखा पावर स्नैच एक्सरसाइज सबसे ज्यादा पसंद, इसे करना चाहूंगा रोज। राजस्थान में बनने जा रहा है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जयपुर में 350 करोड़ रुपए की लागत से 100 एकड़ में बनेगा स्टेडियम, 75,000 दर्शक देख सकेंगे मैच, डिजाइन हुआ तय। साल 2021 में रिलीज होगी फिल्म मैदान, अजय देवगन ने किया नई रिलीज डेट का अनाउंसमेंट, स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है मैदान। भाभी जी घर पर है मैं काम कर रही सौम्या टंडन को भी झेलनी पड़ेगी फीस में कटौती, बोली महामारी लेकर आई है बहुत बुरे परिणाम, शो में अनु नाम के किरदार को निभाती हैं सौम्या।